देखिए, एक आपको सूत्र बताते हैं कि जैसे स्वामी तीर्थेश्वर ने कैलकुलेट किया है कि ये द्वापर युग है। जब किताब लिखी गई तो उस समय का वर्ष है 1894, 1894, तो द्वापर 194। तो ये कैसे निकला? ये जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर हैं, जब हम यहाँ पर होते हैं तब दिन रात बराबर होता है, ऐसे गोल चक्कर है, फिर वहाँ पर पहुँचते हैं तब दिन रात बराबर होता है, इसको कहते हैं इक्विनॉक्शियल पॉइंट। तो अब जैसे एक सर्किल बना लीजिए, इस सर्किल में हमारा क्या है, पृथ्वी ऐसे चल रही है सूरज के चारों तरफ, तो हर वर्ष में देखिए दो बार होता है इक्विनॉक्शियल पॉइंट आता है। इक्विनॉक्शियल मतलब दिन और रात बराबर, एक आता मार्च में, एक आता सितंबर में। अच्छा, अब जब बराबर आता है तो अगले वर्ष फिर उसी पॉइंट पर आना चाहिए बराबर, लेकिन अगले वर्ष पता चला कि 54 सेकंड पहले ही हो गया सब। तो 54 सेकंड कैसे पहले हो गया? इसका मतलब कि सूरज अपने स्थान से खिसक गया कहीं, हम सूरज की चारों तरफ घूम रहे हैं, तो एक साल में हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन जब अगले साल में आए तो सूरज थोड़ा सा खिसक गए, तो डे और नाइट जो इक्वल पॉइंट था वो बदल गया। तो कितना बदला? ये 54 सेकंड ये पहले हो गया, फिर अगले साल 54 सेकंड, ऐसे 10 साल में इतना सेकंड, 1000 साल में इतना सेकंड। तो ऐसे जैसे 14 जनवरी को कभी रहा होगा मकर संक्रांति, आज भी हम मनाते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन रात्रि सबसे बड़ी, दिन सबसे छोटा होता है। वो आजकल 23 दिसंबर के आसपास होता है, 23-24 दिसंबर के आसपास, लेकिन अभी भी हम 14 जनवरी मनाते हैं। तो बड़ी हंसी होती है, जो लर्नेड लोग हैं वो इंडिया के इस बेवकूफ़ी पर हंसते हैं, मेजॉरिटी को परवाह ही नहीं, चाहे जो करो। तो ये जो 54 सेकंड जो पीछे हटता है एक साल में, अच्छा जितने भी ग्रह हैं, चाहे चंद्रमा हो या सूरज हो या पृथ्वी हो, इनकी दो गति होती है, एक होती है स्पिन मूवमेंट, एक होती रिवॉल्व करते हैं। तो ऐसे सन भी रिवॉल्व करते हैं, तो सन का जो रिवॉल्यूशन है हम कैसे पता करें? अगर एक साल में 54 सेकंड हुआ तो 360 डिग्री इतना घूमने में कितना टाइम लगेगा? इस 360 को अगर हम बदल दें सेकंड में, तो हुआ मिनट, ये हुआ सेकंड, इसको पूरा निकालेंगे तो आएगा 24,000 ईयर्स। इस अंदर सूरज भी 24,000 वर्ष में चक्कर लगा रहे हैं। इस 24,000 वर्ष में चक्कर लगाते तो होता क्या है? जैसे पृथ्वी के घूमने पर होता है, चंद्रमा के घूमने पर भी होता है, तो सूरज के घूमने पर भी होगा। तो सूरज के घूमने पर जो सबसे बड़ा चेंजेस दिखता है मानव के अंदर दिखता है, हमारे न्यूरॉन्स इवॉल्व हो जाते हैं। जब न्यूरॉन्स हाईएस्ट इवॉल्व होते हैं तो हम झगड़ा नहीं करते हैं, फिर हर चीज़ें अवेलेबल रहती है, हर आदमी साइंटिस्ट होता है, कोई गरीबी नहीं होती, कोई लड़ाई नहीं होती है, और यहाँ तक एकता होती है जिसको कहते हैं नरसिम्हा अवतार। जैसे नर और सिंह, अगर नर और सिंह एक हो जाएं और न लड़े तो अहिंसा का सबसे बड़ा रूप है। व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर दैट व्हेन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, यू फील चेंजेस हियर। इन द सेम वे सन इज रिवॉल्विंग, देन हाउ टू प्रूव दैट सन इज रिवॉल्विंग? वी टेक द इक्विनॉक्शियल पॉइंट फॉर मेजरमेंट। इक्विनॉक्शियल पॉइंट मीन द इन वन ईयर यू विल फाइंड देयर आर टू times when the day and night are equal. Suppose that this is the time when day and night is equal. The next year you will find no 54 second shifted time. It means 54 seconds shift, it means sun is now advancing somewhere. Sun is also revolves in elliptical orbit. Then how many years it will take? If in 1 year sun is shifting 54 second, then in 360 degree, this is the degree, how much time it will take to cover elliptical path by the sun?
then when I multiply 16 to 60, then it becomes 24,000 years. Because second multiply 60 will be minute, multiply 60 it will be second, then divided by 54 you will get this. The first sun revolves in 24,000 years, what Samityasagiri has explained it. And in that, now our highest development is the lowest development. Highest development we were having 11,500 BC. And the lowest development 500 AD. You try to find out history, it will prove it. But people have imagination that 10,000 years we were living in jungle. There, imagine it. There is no proof. Now America has proved that he having carbon data up to 1,000 years before, then he proved that no, that time was more advanced. America mein khoj hui 10,000 pehle ka carbon data mila kisi cheez ka, to wahan se pata chala ki pehle bahut science viksit tha. Ye itihas mein itihaskaron ne imagine karke likh diya ki hum log nange rehte 10,000 varsh se, hum jangalon mein rehte the, sab galat hai ye. Samityasagiri kya likhte hain? 11,500 ईसा पूर्व में हम बहुत हाईली सिविलाइज थे, हम 500 ईस्वी में हमारा ज्ञान कम हो गया और फिर ज्ञान की ओर हम बढ़ रहे हैं. अब 2019 आ रहा है, इस समय हमारा आरोही द्वापर का 319वां वर्ष चल रहा है, हम प्रगति पर हैं और आने वाला समय और प्रगति पर होगा. जो लोग जोड़ेंगे, जो लोग सेवा करेंगे अपने आप बढ़ेंगे, जो तोड़ेंगे जो दूसरे परेशान करेंगे अपने आप नीचे जाएंगे. उस समय क्या दिखता था, 11,500 से 500 ईस्वी तक अत्याचार करने वाले फल फूल रहे हैं. तो कहीं रावण का कहानी, कहीं कंस की कहानी, कहीं किसी की कहानी, लेकिन अब देखिए अत्याचार करने वालों को पता चल रहा है क्या गलती कर रहे हैं. पहले पॉलिटिकल करप्शन पता नहीं था, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन पता नहीं था, अब सब पता चलने लगा है, कम से कम डायग्नोसिस हो रही है. तो ये है, इसको जानना थोड़ा सा जरूरी इसलिए है, अगर हम कोई भी चीज़ गलत जानेंगे बीमारी आएगी. तो इसे मैंने होली साइंस रिकमेंड इसलिए किया, ये ऐसा स्क्रिप्चर है जिसमें बाइबिल पूरा मिलेगा, सनातन धर्म पूरा मिलेगा और लेटेस्ट साइंस मिलेगा, हाउ टू ईट, व्हाट टू ईट, खाने पीने के बारे में इसमें है, नहाने के बारे में इसमें है, सोने के बारे में. इस छोटी सी बुक में जैसे भंडार भरा है और हम इसी में से सब सिखाते हैं. इसी का एक्सपेंडेड है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी. इसी सिद्धांत के अनुसार ऋषि मुनि कैसे जी, एक एक की उसमें कहानी, लाइव स्टोरी. तो हम इसलिए बीच बीच में जो बताते हैं, मन में आएगा ना कि इसका क्या रिलेशन है भाई गठिया से, इसका क्या रिलेशन नहीं है रिलेशन. अगर मानते हैं कि रविंद्र जी ये हैं, मानव हैं, तो हम बीमार हो जाएंगे. हम दिल से मानते नहीं, निराकार प्रभु आपके रूप में, आप भले अपने को ना मानिए, हम मानेंगे ना भाई आप सर्जन हैं, आपको पता कैसे सर्जरी करनी, हमें नहीं पता है, लेकिन सर्जरी होगी. तो पहला एग्जाम्पल होना चाहिए कि योगी सत्यम न बीमार हो, ये न थके, ये न चिंतित हो, नहीं तो क्रिया योग खत्म. ये कोई हमारा आश्रम हो थोड़ी भंडारा चला दो, प्रसाद चला दो, घंटा बजा दो, ये नहीं है ना, ये साइंटिफिक है ये. तो इसलिए वर्तमान समय क्या है कि हम लोगों का विकास का समय है, हम सब लोग विकसित होंगे. जितनी टेक्निकल एजुकेशन बढ़ाते जाएंगे उतना ही वो सफल होता जाएगा. ना किसी वाली पढ़ाई अब काम नहीं करेगी बीए में की, टेक्निकल एजुकेशन भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सब साइंस वाला चलने लगे बस, ज़्यादा से ज़्यादा हट करके अब साइंस पूरा क्लास हो गया, हाई स्कूल पूरा साइंस, इंटर पूरा साइंस, उसके बाद आप स्पेशलाइज करिए और सुविधा होगी तो और भी आगे आएगी जब भगवान चाहेगा तो ये करके.